धमनी शमशान घाट पर लगा है कूड़े का अंबार। वार्ड पार्षद रंजन ने किया सफाई अभियान। गढ़वा दृष्टि से संवाददाता अरमान खान की रिपोर्ट। श्री बंसीधर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 के वार्ड पार्षद रंजन कुमार उर्फ छोटू ने गुरुवार को नगर पंचायत क्षेत्र के धमनी स्थित मुक्ति धाम पर सफाई अभियान कर स्वयं सफाई किया। इस दौरान उन्होंने शमशान घाट के चारों तरफ लगे कूड़े के अंबार को जलाया और सफाई की। इस मौके पर वार्ड पार्षद रंजन कुमार उर्फ छोटू ने कहा कि जब लोग इस शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए आते हैं तो कूड़े के अंबार में खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन आज तक यहां पर किसी लोगों ने यहां की साफ सफाई करने व व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया। जब लोग दाह संस्कार के लिए आते हैं तो भूमि पर कांटे कंकर कीड़े मकोड़े होने से बैठना भी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि शमशान घाट पर बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का काम भी होना चाहिए। शमशान घाट पर बहुत सारी चीजों की कमी है, गढ़वाल भी टूटा हुआ है। रंजन छोटू ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने अगले बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखेंगे और धमनी शमशान घाट का सुंदरीकरण अवश्य होगा। उल्लेखनीय है कि धमनी शमशान घाट पर बंसीधर नगर के कई इलाकों के लोग दाह संस्कार करने के लिए आते हैं, लेकिन यहां पर अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था, पानी की टंकी एवं शव जलाने के लिए चिता स्थल का निर्माण नहीं कराया। शमशान घाट की साफ सफाई या देखरेख करने वाला कोई नहीं होने के कारण वहां कटीली झाड़ियां, पत्थर, कंकड़ व कचरा, कीड़े मकोड़े भरे होने से अंतिम संस्कार में आने वाले लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कड़वा दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।